ये बात सही है कि समाज में, समाजित में कोई बात अगर अहित की होती है, कोई गड़बड़ होती है, कोई करप्शन होता है, कोई राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई भेदभाव होता है, तो निश्चित रूप से शासन की जिम्मेदारी है कि उनको वो दंडित करे, उचित समय पर सही तरीके से दंडित करे, ताकि राष्ट्र के सभी लोगों का हित जो हो वो संरक्षित हो। और समाज की ये जिम्मेदारी है, समाज की ये जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को समाज में प्रतिष्ठा न मिले और समाज में अच्छे लोग तैयार हो, ताकि हमारा समाज एक अच्छा समाज बने। और इसलिए हमारे आज के समय में भी, जब हम AI के ज़माने में पहुंच गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, तो मैं फिर भी कहता हूं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब मशीन हमें कमांड न करे, हम मशीन को कमांड करें, यानी AI और HI के बीच में अगर हम रख रहे, तो मुझे लगता है हमेशा ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो ऊपर रहना चाहिए। और इसलिए हम लोगों को गिव अप नहीं करना चाहिए। कभी कभी आजकल ऑटोमोडेड आ गया है, कभी कभी हम पूछते, लोग बोलते, अरे नहीं वो तो ऑटोमोड पे था ना, वो आ गया होगा न्यूज़। आजकल AI पिकअप कर लेता है। भाई AI कैसे पिकअप कर लेता है? AI तो आपके इंटेलिजेंस से चलना चाहिए ना, हाउ इट कैन डू इट बाई इट सेल्फ। तो मुझे लगता है कि ये जीवन के हर क्षेत्र में है, और ये मूल सांस्कृतिक प्रश्न है हमारा, कि हमारी संस्कृति, हमारे जीने के तरीके, हमारे मूल्य, ये मशीन AI नहीं तय कर सकता, ये हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस ही तय करेगा। और उस दृष्टि से उसका महत्व बराबरी से रहना चाहिए, वो जैसे हर क्षेत्र में रहना चाहिए, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी भरपूर रहना चाहिए, क्योंकि ये क्षेत्र तो है ही ह्यूमन इंटेलिजेंस का।